जान से हाथ धोना पड़ा था। नेताजी सुभाष की पीठ में छुरा घोपने वाले आजाद हिंद फौज के इसी गद्दार शहनवाज खान की एक बेटी थी जिसका नाम लतीफ फातिमा था। शहनवाज खान ने अपनी इसी बेटी का निकाह पेशावर के किस्सा कहानी बाजार के एक पठान ताज मोहम्मद खान से तय कर दिया, जो कि विभाजन से कुछ समय पहले ही पेशावर छोड़कर दिल्ली आ गया था। शायद आपको पता हो कि पेशावर नाम की जगह इस समय पाकिस्तान में है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इतिहास को गूगल पर सर्च कर लीजिए। बंटवारे के दौरान आजाद हिंद फौज का द्रोही शहनवाज खान भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, लेकिन नेहरू ने गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर सत्ता में आसीन करने की अपनी गंदी फितरत के चलते उसे वापस भारत बुलाकर मंत्रिमंडलीय सचिव का पद दे दिया। इम्फाल कोहिमा के दुरू मोर्चे पर भारत से गद्दारी करके आजाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों को मरवा देने वाले देशद्रोही शहनवाज खान का एक नवासा पैदा हुआ जिसका नाम था शाहरुख खान। ये तो एक गद्दार की बेटी से पैदा हुआ मात्र एक गद्दार है। लेकिन हम भारतीयों ने किंग खान की उपाधि देकर इसके नाना जान के गद्दारी के इतिहास को दबा दिया है और इसी कारण शाहरुख पाकिस्तान को करोड़ों की खैरात बांटता है। अब आपको पता चल गया होगा कि गद्दार इतिहासकार और पहला मुल्ला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद और अन्य महागद्दारों ने मिलकर आजादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को भी इतिहास के पन्नों से मिटवा दिया और साथ ही मोहनदास गांधी और नेहरू हजारों टन की अय्याशियों को लील कर उन्हीं के इतिहास को बता डाला और उनके इस बदलू इतिहास को हमें पढ़ाया भी गया ताकि हम क्रांतिकारियों को ही आतंकवादी समझे और गांधीवादियों को आजादी का मसीहा। दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद, फरहान, सलमान खान और कई इनकी बेगमें जैसे 38 लोगों ने रिपब्लिक टीवी और उसके पत्रकारों और मालिक अर्णब गोस्वामी और टाइम्स नाउ की नाविका कुमार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में FIR दर्ज कराई थी कि ये लोग बॉलीवुड की छवि खराब कर रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही रंग बदलने वाले गिरगिटों के ग्रुप ने 3 दिन में ही अपना दोबारा एफिडेविट देकर दोगला पंती झाड़ी कि वो किसी भी मीडिया या अर्णब गोस्वामी या रिपब्लिक चैनल के खिलाफ नहीं है। इन दोगले बेशर्मों को तब शर्म नहीं आई जब ये लोग अपनी हर फिल्म में ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया की छवि खराब करते हैं। तब इन पागल कुत्तों को दुख, दर्द, शर्म, हया जैसे नाम नहीं याद आते। इनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, ब्राह्मण है तो पाखंडी होगा, क्षत्रिय है तो अत्याचारी और बनिया है तो सूदखोरी करने वाला, मगर किसी भी फिल्म में जालीदार टोपी वाला है ईमान का पक्का, अल्लाह का नेक बंदा, सब पर रहमत बरसाने वाला और बेहतरीन दोस्त, अच्छा इंसान जैसे नैरेटिव इन्होंने कई दशक तक गढ़े हैं और धीमे धीमे जहर की तरह हिंदुओं के दिमाग में भाईचारा बिठा दिया है। इन्होंने अपनी हर फिल्म में अच्छे राजनेताओं, पुलिस वालों को बदनाम किया, तब इन्हें शर्म नहीं आई। लेकिन जब एक देशवादी चैनल ने इन दाऊद के कुत्तों को उनकी असलियत दिखाई तो इनकी छवि खराब हो गई। ऐसा नाच कर रहे थे जैसे हाथी की सूंड में चींटी का तांडव हुआ हो। दोस्तों भारत को आजादी दिलाने में सिर्फ शहनवाज खान ही गद्दार नहीं था, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों ने गद्दारी की थी और आज बॉलीवुड में भी हमने उन्हीं गद्दारों की औलादों को अपने सिर पर बिठा लिया है। उस समय भी हमने सनातनी देशभक्तों को महत्ता नहीं दी थी और आज भी हम इन खानों के पीछे छिपे असली सनातनी हीरोज को नहीं पहचान रहे हैं। अगर हमने इन खानों को बर्बाद नहीं किया तो शर्म आएगी हमें खुद से, क्या मुंह दिखाएंगे अपनी पीढ़ी को। इसलिए दोस्तों अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म, सनातन धर्म को बचाना है तो इन गद्दारों को निकाल